सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। हिमाचल प्रदेश बीजेपी विधायक दल की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। ये बैठक शिमला के पीटर हॉफ में आयोजित की गई। बैठक के दौरान 6 सितंबर को होने वाले प्रधानमंत्री मोदी के संवाद कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा हुई। साथ ही स्वर्णिम यात्रा के कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कोरोना टीकाकरण पूरी तरह से सफल रहा है। आज विधायक दल की बैठक विशेष इसलिए की जा रही है क्योंकि 6 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो वैक्सीन के अभियान में हिमाचल प्रदेश ने अच्छा काम किया, उसमें वर्चुअली कनेक्ट होकर के हिमाचल के लोगों को वो संदेश देने वाले हैं और जिन लोगों ने वैक्सीन के इस अभियान में एक्टिव पार्टिसिपेशन दिया, जिसमें हमारे आशा वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, नर्सेज हैं, उन सबको वो संबोधित करेंगे और उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो प्रमुख रूप से एक तो विषय ये है और उसके पश्चात आने वाले समय में जो हमारी स्वर्णिम रथ यात्रा की अगर जो बात चल रही थी, क्योंकि उसका हमने कार्यक्रम स्थगित किया था कोविड की सिचुएशन के कारण, अब जबकि कोविड में कुछ रिलैक्सेशन अब सभी पूरे देश भर में दी गई जो रिस्ट्रिक्शन थी सोशल गैदरिंग की, तो उस दृष्टि से उस पर आज विचार करेंगे कि आने वाले समय में जो हमारा हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड का 50 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं और उसमें जो कुछ कार्यक्रम निर्धारित किए थे उसमें से कौन कौन से कार्यक्रम हमको करने हैं।